थोड़ा सा थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर दिया है क्वेश्चन को। सोडियम है, कार्बन है और क्या है, ऑक्सीजन है। सोडियम का क्या दिया हुआ है, 2.04 ग्राम होता है कंपाउंड के अंदर, है ना, कंपाउंड है उसके अंदर 2.04 ग्राम्स है। कार्बन के एटम्स की संख्या है 2.75 × 10^22 एटम्स, ठीक है, ये ग्राम है तो ये एटम्स है। और ऑक्सीजन के बारे में क्या दिया हुआ है, 0.132 मोल्स दिए हुए हैं। सबकी अलग अलग क्वांटिटी दी हुई है, अलग अलग टाइप की क्वांटिटी दी हुई है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबको एक ही चीज में बदलिए, आप सभी को एटम्स की संख्या में बदलते हैं, बदल दीजिए। 2.04 को 23 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर आप अवोगाड्रो नंबर से तो आपके पास एटम्स आ जाएंगे, ठीक है ना, आपके पास क्या आ जाएंगे, एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, इसके एटम्स आ गए, इसके तो एटम्स लिखे ही हुए हैं, क्योंकि देखिए संख्या का रेशियो ही क्या होता है, फॉर्मूला देता है आप, ठीक है ना। मोल से एटम कैसे लिखेंगे, 0.132 × अवोगाड्रो नंबर 6 × 10^23। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम अवोगाड्रो नंबर को क्या ले रहे हैं, अवोगाड्रो नंबर को हम कंसिडर कर रहे हैं हमारे सवाल के लिए 6 × 10^23, ठीक है ना, 6.023022 के बजाय, ठीक है। चलिए फाइनली इन तीन संख्याओं का रेशियो लेना है जिससे हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। रेशियो लेने के लिए थोड़ा बहुत हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 10^22 कॉमन आ रहा है सभी में, अब रेशियो लेके दिखाते हैं आपको। 2.04/23 × 6 × 10^23 एक बार फिर लिख देता हूँ, 2.75 × 10^22 लिख देता हूँ, 0.132 × 10^23 लिख देता हूँ। 23 को कैंसिल करो 10^22 से, ये बन गया, यहाँ पर बन गया। कहने का मतलब यहाँ पर 10 आ गया तो 20.4 × 6/23 यहाँ पर ये आया, ठीक है ना, यहाँ पर क्या आया, 2.75 आया, यहां पर क्या आया, 10 आया, 1.32 आया, ठीक है, 1.32, उधर 2.75, इधर क्या आया, 20.4 × 6/23, इतना आ गया ना। अब क्या करना है, फाइनली आपको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है इसको, इसमें 6 भी आएगा, 1.32 × 6, ठीक है ना, इंटू 6 भी है, ठीक है, 1.32 × 6। इसको लिख देते हैं, सोडियम कार्बन ऑक्सीजन, ये था 20.4 × 6/23, ये था 2.75, ये था 1.32 × 6, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे इसको, इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, यह आता 5.32, ये आ गया 2.75, ठीक है ना, और ये 1.32 × 6, ये आता 7.92 अप्रोक्सीमेटेड। अब आपको रेशियो लेना है फाइनली, ये थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। 5.32 को डिवाइड कर दिया 2.75 से, सबसे छोटा नंबर 2.75 है, उसको डिवाइड कर दिया 2.75 से, 7.92 को डिवाइड कर दिया 2.75 से। अब देखना काफी प्रचलित फॉर्मूला आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 2 है, ये अप्रोक्सीमेटली 1 है, ये अप्रोक्सीमेटली 3 है, फॉर्मूला क्या आया देखना, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल के आया है, Na2 carbon 1 oxygen 3, और आई वुड राइट Na2CO3, और ये तो खैर आप जानते ही हैं सोडियम का कार्बोनेट है, हमारा आंसर ये है, ठीक है ना।
सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 वही उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। आंसर आ गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मेरा आंसर है 27 का। ठीक है जी, कैलकुलेशन आपके सामने।